What's up guys, welcome back to 365 days, 365 vlogs, I hope you all are good. मैंने vlogs अब timely कर दिया था, timely डाल भी दिया था, और मैं 9:30 सो गया पूरा schedule करके. अब मैंने गलती कहाँ करी, मैंने सुबह की 10 की जगह रात के 10:30 टाइमर लगा दिया मैंने, तो इसलिए व्लॉग आउट ही नहीं हुआ. अभी 11 बजे हैं, अभी मैं उठा, अभी मैंने चेक किया, व्लॉग आउट ही नहीं हुआ है. अभी मैंने जस्ट उठ के आउट किया. ऑल्दो आमी नानी जी के यहाँ गई, क्योंकि नानी जी की फ्रेंड्स आई उनसे मिलने, और मैंने व्लॉग आज बहुत लेट स्टार्ट किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. हां दीदी, चाय कब रखी आपने? दीदी चाय रख गई थी और मैं सो गया वापस. जैसे मेरे को भी पता चला ना व्लॉग नहीं डाला, मेरे को एकदम से ना फट करके एंग्जाइटी हिट हुई. मैंने कहा मैं घबराहट, मेरे को घबराहट सी होने लग गई, बिटकॉइन ना डल गया. हो जाती यार कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती हैं. प्लस आज सैटरडे है तो थोड़ा रेस्टिंग डे रखेंगे, इसलिए ज्यादा व्लॉग नहीं करेंगे. जितना भी करेंगे इनफ ही करेंगे. आपको पता है ये रूल है, हफ्ते में एक दिन रेस्टिंग डे होगा जिस दिन ज्यादा व्लॉग नहीं होगा, और अगर शायद से वो भी ना हो कभी. आज लेकिन आज रेस्टिंग डे है. मैं भी नहा कर नानी जी के यहाँ चले जाऊंगा, क्योंकि हम इसे भी नहीं मिले यार सुबह से, और नाना नानी जी से मिलेंगे, मम्मी पापा से भी मिलना. अभी मैं कमरे में उनके गया ही नहीं यार, मैं उससे बाहर ही अंदर गया ही नहीं हूँ. मैं बस इधर से उधर मैं घबराहट के मारे, मेरा जो मतलब अभी हाल है ना इस समय, चाय पी के अभी थोड़ी एंग्जाइटी डाउन कर रहा हूँ. जल्दी जाकर ठंडे पानी से नहाऊंगा मैं, तो थोड़ा और आराम मिलेगा. एक तो मैंने अपनी एलेक्सा से बड़ा परेशान हूँ. इसमें अलार्म लगा तो 6:20 का, 7:17 पे रोज मेरे को पापा का कॉल आता है, उठ जा एलेक्सा तेरी बज रही है. मैंने कहा 6 बजे से मेरे को जब अलार्म बजना शुरू होता है मैं तब नहीं उठता, और पापा के कॉल से उठ जाता हूँ. कॉल का भी खौफ होता है क्या, अलार्म उठा ही नहीं पा रहा है. अलार्म एक नंबर का धोखेबाज है, पापा का कॉल उठा देता है हमेशा मेरे को. इसे बोलते हैं मतलब इज्जत डर. सुबह जब एलेक्सा बजती है आपको आवाज आती है मेरे को नहीं, जबकि मेरे बगल में बजती है ना. बट आपका जब एक कॉल आता है पहली रिंग में मैं उठा लेता हूँ. ये आपका खौफ है या क्या है? वो आप यूज टू हो गए हो उसकी आवाज से, इसलिए आपको लगता है, तो आपको इग्नोर करते हो उस आवाज को. मेरे को आती नहीं वो, आप इसलिए याद है रोज सुनते हो तो आप इग्नोर हो जाते हो. अब जब मैं करता हूँ फोन आपका सबसे वो है. फोन का अलार्म भी बजता है, फोन के अलार्म की भी आवाज नहीं सुनाई देती. सबसे खराब चीज बताऊं क्या लगती है, जब पैर सो जाता है और आपसे चला नहीं जाता, पूरा पैर जब सुन हो जाता है. एक पोजीशन में अगर बैठे रहो, अभी वही हुआ मेरे साथ, एक पोजीशन इतनी देर तक बैठा रहना पूरा पैर सुन हो गया. ऐसे भारी भारी सा लगता है ये पूरा उठाने में. अपने बटोए आज सुवाड़े मैं भी सेरा दाऊं ना क्या मुझ के रेडी, दवाई भी लगा ली है. ऑल्दो आज जल्दी आने का ये फायदा हो गया, मैंने दादी माँ के साथ आरती अटेंड कर ली, तो एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ गई. अभी जाता हूँ नानी जी के, मम्मा पापा सो गए हैं, बस दादी माँ से अभी सुबह से अच्छे से मिला भी नहीं हूँ, क्योंकि या तो वो बिजी थी या तो मतलब मैं ही लेट उठा, तो मेरी गलती की वजह से अभी तक मैं अच्छे से मिला ही नहीं हूँ. तो अभी एक काम करता हूँ, जल्दी से इनकी जैसी आरती खत्म होती है ना, अभी आरती मतलब हल्की फुल्की और चल रही है, मत्था मैंने टेक ही लिया था, जैसी खत्म होती है फिर इनसे मिलके फिर जाता हूँ. बेस्ट तो दीदी की मौज हुई है, मम्मी पापा सो गए, कोई कुछ कहने वाला नहीं, अभी फ्री फायर खेलेंगी मस्त, बुईया बुईया करती रहेंगी. दीदी का देना आम ये परेशान करने के लिए, तो टीवी देखती रहेंगी. तेरी सदा ही जय, दर्शन देने वाली माता तेरी सदा ही जय, वाली माता तेरी सदा ही जय. जय वाली दरबार जय, बोले बाबा जय, जय नदीमा, सब राज्य खुश है. हाँ. कैसे हो? बढ़िया. हाँ तो आपके साथ मैंने सुबह जल्दी ना के आरती अटेंड कर ली, कैसा लग रहा है? आरती अटेंड कर ली मैंने, पुछी नहीं दवाई लगाई हुई है. दवाई लगाई हुई है, मैं कर देता हूँ. मेरा बच्चा है ना, मेरी प्यारी है दादी, मेरी प्यारी है. लो पैर, कैमरा के लिए नहीं, वैसे ही पैर छूता हूँ मैं, दादी माँ से पूछ लो बड़े कितने बड़े हो जाए. दीवार 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 टाप के निकल जाए, सबसे लंबा मैं ही हूँ घर में, और कितना लंबा करोगे दीवार टपा दो. पापा बड़ा आदमी बने ना, भी बड़े आदमी बन जाए. बड़ा आदमी सिर्फ नाम है, आदमी बड़ा अपने कर्म से होता है, काम से नहीं. बस सही बात है, देखो सही बात करी की नहीं करी. बिल्कुल बहुत बढ़िया बात. दीदी के तो बड़े अच्छे कर्म है, बुईया करती रहती है ना दीदी के, बहुत अच्छे ज्यादा ही, बहुत ज्यादा ही अच्छे कर्म है. हेलो जी, हेलो. हाँ हाँ, आपको आ गया ना, हमारी तीनों की फोटो खींच दे, बहुत बढ़िया. चल नहीं ऑल राइट. हाँ जैसे पहले नहीं थे. हाँ जी बाय बाय बाय. बड़ा हो गया कितना है आप, मेरे से लास्ट कब मिले थे? बहुत साल हो गया, तब तू छोटा सा था. लेट लेट करा भाई, मेरे से सुबह से नहीं मिला, आप जाके मिल रहा है मेरे से. नहीं आए थे आप, नहीं आए थे आप, मेरे बाल पीछे कर दो. कार आ रही, कार आ रही, कार आ रही, गुल्लू कार आ रही है. यहाँ क्या खेलोगी आप? खाना चाहते नहीं, मैं क्या खेलूँ आपके साथ? नहीं आप खेलो, प्लीज मैं
मतलब कुल मिला के खिलाना ही है ना। कहाँ जाओगी चटनी मास्टर? इतना अच्छा लगता है यार इन लोगों को खुश देख के। बेस्ट मैं बताऊँ जो आपको जेन्युइन खुशी कैसे मिलती है, आपकी अगर फैमिली अगर आपको एक साथ हाँ चलो, अगर आपका कोई सिबलिंग छोटा सिबलिंग खुश है और या आपकी फैमिली में से कोई खुश है, मतलब मम्मी पापा या नाना नानी जी दादा दादी, अगर ये दोनों खुश ये लोग खुश होते हैं ना तो आपको भी खुशी आती है इनकी खुशी में इन्वॉल्व होकर। पहले मेरी बहुत चीज़ों की डिमांड होती थी, बहुत कुछ होता था, बट टाइम के साथ जब मैं मैच्योर होने लगा, मैं समझने लगा चीज़ें, तो मैं उतनी डिमांड्स नहीं रखता हूँ। मेरे में भी इतना मेरे को पता है मेरे को किस हिसाब से चलना है, कब क्या मांगना है, कब का क्या नहीं मांगना है, तो उसी हिसाब से। और वही चीज़ मैं एमी को समझाना चाहता हूँ, वही चीज़ मैं एमी को सिखाना चाहता हूँ। इसलिए अभी कल परसों की बात है, हमारे टावर के इधर सांप मिलो और ऐसे यहाँ अंदर चला गया, पेड़ों के अंदर दिक्कत हो जाएगी। घुस गया पता नहीं कहाँ है सांप, अंदर होगा पता नहीं कहाँ है। एमी को सांपों से डर लगता है, मेरे को नहीं लगता, मतलब मेरे को भी लगता है पर थोड़ा बहुत। स्टंट मार रहा था लिफ्ट में, रेलिंग पकड़ के लटक रहा था, फोन गिर गया जेब से। अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, हर चीज बता दिया कर मोटू। मेरा फोन चार्ज नहीं होने देगी, इसको प्रॉमिस किया था मैंने क्रिकेट का, तो अभी इसके साथ क्रिकेट खेलूंगा मैं। इसने अपने पैर से मार के बॉल नीचे गिरा दी, वो वाला क्या करें? नौटंकी? ट्यूब? एमी आप हवा में स्विमिंग करती हो क्या? क्या दिखाना हवा की स्विमिंग करना, हवा में स्विमिंग करती है ये पागल। भाई गॉड ब्लेस यू, करो बाय। डन विद ट्यूशन, अच्छे से हो गए, मस्त मजा आया ट्यूशन करने में। और तो मेरे को आप लोगों से एक बात करनी थी, वैसे मैं रोज मतलब इतने लंबे लंबे 15 मिनट के डेली व्लॉग्स बनाता हूँ जो इजी नहीं है, 15 मिनट के 13 मिनट मतलब 10 मिनट के ऊपर के डेली व्लॉग्स बनाता हूँ जो इजी नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग दिन में से वही उतने ही मिनट निकाल के एक बार व्लॉग देख लिया करो, और हो सके तो शेयर भी कर दिया करो। ये पूरा खराब कर दिया ना रोलर, आखिरकार मेरे हाथ पे पेंट लगा दिया मोटू। आर्टिस्ट की ड्रॉइंग है। किसकी? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की ड्रॉइंग है। हाँ कला है मैडम, कला है। कितने में बेचोगी? 500 की? नहीं नहीं देता ना इसको, मैं 2000 दूंगा। चूना लगा दिया हमें, नहीं चाहिए चूना। नहीं नहीं लो ना। हुआ क्या हंस रही हो लेकिन? मेरी अब गो मेरी। अरे पास तो के गो ना। मेरी वेरी सोरा जबी। प्लीज गाओ, आप गाओ, आप गाओ। हेलो पापा, आपका टेलीफोन नंबर चेंज हो गया क्या? अब वापस आ गया? मैं स्पॉटिंग निकल गई सर सॉरी। थोड़ी देर की पावर ने आप ली, मस्त अब एनर्जी अप हो चुकी है, अब निकलते बैडमिंटन खेलने। हाँ तो शायद से हमारा चेतन जा चुके हैं, जाने का प्लान हो रहा है, अब जाएंगे। एमी ने बोल दिया जाएंगे तो जाएंगे, तो मैंने मम्मा को बोल दिया मेरे को कॉल कर दो जैसे निकलने लगे, तो उसी समय मैं आ भी जाऊंगा। सरप्राइजिंगली सैटरडे को मेरे को लगा लोग आएंगे क्योंकि फ्री होते हैं, आज भी कोर्ट खाली है, मतलब इस टाइम पे लोग आना शुरू हो जाते हैं। पहला मैच बहुत टायरिंग था, मजा आया लेकिन खेल हार गए, बट कोई बात नहीं, वो सिर्फ वार्म अप खेला था। क्या बीच मैच में पापा का कॉल आ गया था तो अब निकलना पड़ गया। हाँ लेकिन मजा आ गया, जितना भी खेला अच्छा है, खेल लिया, रूटीन नहीं टूटा। निकरा भाई बाहर निकले और जाम ना मिले ना, ऐसा हो नहीं सकता, दिल्ली में घुसते ही जाम। कौन है जाना देखना, देखना कौन आया। शर्मा की रही देख देख देख, आ गई तेरी सहेली। आ ना, अरे मेरे से तो मिल ले। मिलती नहीं मेरे से, मतलब दरवाजा ही मैं ही बंद करूं, मिलोगी नहीं मेरे से? छोटू 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 जल्दी जल्दी। कैसे है दादी, भिंडी काट रही है? दादी भी भिंडी काट रही है टाइम पास के लिए ना, और क्या करें। ये आपकी आंख पे क्या हुआ? मैंने ऐसे ही कुछ लगा दिया। अच्छा क्या क्या है, कहाँ गई कड़ा लग जाएगा मेरे। एमी अपनी दोस्त को समझा ले। आईफोन 13 दिखाओ पीछे से, बहुत अच्छा आईफोन है बच्चों, बहुत अच्छा आईफोन है। ये कैमरा अच्छा लग रहा है आना से मिलके।
कितनी लड़ाई हुई आज? अभी तक नहीं हुई, मतलब अभी कोई स्कोप है कि होने वाली है? होने वाली है, होने वाली लग रहा है। नहीं गाइस, अभी जब हम जा रहे झूला झूलने, वो अंकल अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, मैंने उनसे पूछ के फोन ले लिया, वो रहा झूला, तो मैं जाने वाली हूँ। इस बार भी जाओ अंकल, हमें झूलना तो आप ये चीज़ें उठा सकते हो, तो उस पर चले जाना। क्या हुआ है यार? मुझे इस पर बैठना है। क्या दिक्कत है तुझे? जाना उस वाले पे। तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाय आज की थोड़ी तो लड़ाई हुई, कम से कम फोन गिरने भाई। दूसरे वाले पे चलते हैं। चलो नहीं, मेरी जगह मुझे याद है। ले ओ पकड़, लॉक कर। गाइस मुझे लग चुकी है, यही थोड़ा तो नीचे हुआ। हम झूल तो सकते हैं क्योंकि नीचे हो गए। एक मिनट तूने पकड़ाना यार, मैं ब्लॉक करूंगी ना, तू क्या करेगी? कुछ नहीं यार। गाइस अभी हम झूला झूल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं झूला रही हूँ। नहीं मैं भी झूला रहा हूँ साथ में गाइस, हम दोनों झूला रहे हैं गाइस। कितना मज़ा आ रहा है, और हम रात को हम रात को आए हैं। यहाँ पर कोई भी सांप भी होता है, रात को बच्चों को नहीं आना चाहिए। वो वाले अंकल भी चले चुके हैं, पता नहीं हम क्या करेंगे। तो घर पे जाके जब हम घर जाएंगे तब मिलते हैं, बाय। तो तेरी चीटिंग नहीं होगी ना, तू नेट लगा लेगी तो? पूरी अच्छे से चीटिंग करी अभी इसने बिना नेट के, नेट पे मारने के बाद भी, मतलब इनविजिबल नेट पे। तो वो फ्रेंड भी आ गया, आपका फ्रेंड भी आ गया। काटता तो नहीं है ये? इतना बड़ा है, कितनी हाइट कितनी है इसकी, और इसकी एज कितनी है? 4 ईयर। मैं मिल चुका हूं। तो इससे लंबा जाएगा या बस इतना ही है? पूरी सोसाइटी का मारो चक्कर, एक काम करो यही मिलना। ओके ध्यान से जाना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप मिलने आते हो किसी से और एंड अप करते हो कुछ खेल के एकदम पसीने में नहा के? वो सिचुएशन अभी मेरे साथ हुई, पूरा पसीना पसीने में नहा दिया मैं। ओए जान शहंशाह, टी शर्ट है आपके पास एक्स्ट्रा? ह्यूमिडिटी बहुत है पापा, बहुत हालत खराब हो गई। जब तक किसी चीज में पसीना नहीं आया ना, वो मेहनत नहीं कहलाई जाती, और जब इतना ज्यादा पसीना आ जाए तो मतलब मेहनत अंतिम पार मेहनत करी है। और तो मैं और दादी अभी बिग बॉस देख रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही सीरियल देखता हूँ टीवी पे, वो है बिग बॉस। जब भी आता है मैं सीज़न 5 से देख रहा हूँ, देखना तो कंटिन्यू करना ही है। ठीक है ना, भाव क्यों खा रहे हो? फिर आज का व्लॉग ये एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो दिल वी बॉय के ये क्या कर रहे हैं, दिल वी बॉय के वन साइनिंग ऑफ, एंड कल का व्लॉग आते देख लेना। बाय बाय बाय, तो बोल दो बाय मम्मा। बाय 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 हो गया बाय। क्या क्या मैं नहीं खेलूंगा।